हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मोशन एंड रेस्ट के बारे में, एंड उसके आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम एंड मास के बारे में। तो शुरू करते हैं मोशन एंड रेस्ट से। मोशन एंड रेस्ट तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, किसी भी एक बॉडी को कंसिडर करते हैं, और क्या बोला जाता है, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम, तो क्या बोला जाता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है या जो बॉडी कंसिडर किया है वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो क्या बोला कि कोई भी अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो क्या करता है, अपनी पोजिशन चेंज करता है, तो पोजिशन क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। और कैसे चेंज होती है, विद टाइम चेंज होती रहती है। तो क्या बोला जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। तो ये तो मोशन के लिए बात कर दी गई। नेक्स्ट क्या बोला गया कि अगर इसी बॉडी को हम कंसिडर करें और ये बॉडी अगर हमारी पोजिशन चेंज नहीं करती है, डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन, पोजिशन विद टाइम चेंज अगर नहीं करती है, तो क्या बोला जाता है, तब ये जो हमारी बॉडी होती है वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। तो ये तो बात कर दी गई कि कौन सी बॉडी या किस पॉइंट पे बॉडी हमारी कहलाएगी स्टेट ऑफ मोशन में एंड कब कहलाएगी स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब क्या बोला गया कि ये जो मोशन और रेस्ट है उसको दो काइंड्स में डिवाइड किया गया, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। और ये जो दो टाइप्स थे वो थे, सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट एंड नेक्स्ट बोला गया रिलेटिव। तो मोशन और रेस्ट दोनों ही हमारे एब्सोल्यूट और दोनों ही कौन, रिलेटिव। ये क्या होते हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, दैट इज एब्सोल्यूट मोशन की या एब्सोल्यूट रेस्ट की, तो क्या बोला गया कि अगर हमारा कोई बॉडी हम कंसिडर करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं किसी एक स्टेशनरी पॉइंट से, जो कि वो स्टेशनरी पॉइंट हमारा स्पेस में प्रेजेंट है, तो क्या बोला गया, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस में हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया और वो पॉइंट हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। तो एक स्टेशनरी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया स्पेस में, तो स्पेस में हमने एक स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर किया। अब कोई एक बॉडी ले लेते हैं और उस बॉडी की मोशन को, इस बॉडी की मोशन को हम रिलेटिव टू दिस पॉइंट अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज इस बॉडी के मोशन को हम स्टडी करें विद रिलेटिव टू दिस स्टेशनरी पॉइंट जो कि स्पेस में हमारा प्रेजेंट है, तब क्या बोला जाता है कि हमारा जो मोशन होगा वो एब्सोल्यूट मोशन होगा। तो उस पॉइंट पे हमारा मोशन कैसा होगा, एब्सोल्यूट मोशन हो जाएगा। तो जब स्टेशनरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी की मोशन देखी जाएगी स्पेस में, तो उस पॉइंट पे हमारा मोशन जो होगा वो एब्सोल्यूट मोशन हो जाएगा। पर क्या देखा गया कि कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिल सकता है। जब भी हम किसी स्पेस में बात करेंगे तो उस स्पेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो विद टाइम हमेशा के लिए स्टेशनरी हो। तो इसको देखते हुए क्या बोला गया कि ये जो एब्सोल्यूट मोशन की बात करी जा रही है, ये जो एब्सोल्यूट मोशन होगा हमारा वो कंप्लीटली जो होगा हमारी इमेजिनरी थॉट हो सकती है, वो रियल प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट हमें स्पेस में विद टाइम हमेशा के लिए कोई भी नहीं मिल सकता है, तो उसके रिलेटिव हम इस बॉडी की मोशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टेशनरी एब्सोल्यूट मोशन की। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या बोला गया कि ये एक इमेजिनरी थिंग हो सकती है, एक कह सकते हैं कि जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो एब्सोल्यूट मास के बारे में बात कर लिया या मोशन के बारे में। अब एब्सोल्यूट रेस्ट की अगर बात करी जाए, तो बोला गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट भी जो होगा हमारा एक इमेजिनरी थॉट ही होगा, क्योंकि किसी भी हम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी बॉडी की बात करें, स्टार्स की बात करें, सन की बात करें, अर्थ की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो वो रेस्ट में नहीं रह सकती है, हमेशा वो मोशन में रहती है। तो ये क्या बोला गया कि
इस तरीके से देखा गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट भी जो है हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट की भी बात करें तो वो भी क्या होगा, एक इमेजिनरी थॉट ही होगा, एक इमेजिनरी ही कह सकते हैं कि थिंग हो जाएगी। तो बात तो गई ये एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट की। तो लास्टली क्या देखा गया कि जब कभी भी हम मोशन और रेस्ट की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकते हैं। एब्सोल्यूट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि स्पेस में कोई भी पॉइंट हमारा स्टेशनरी हमेशा के लिए नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट की। तो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट के लिए क्या बोला गया कि अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसको हम रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे बॉडी से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे क्वांटिटी से, तो क्या बोला गया कि वो क्या कहेंगे, एक रिलेटिव मोशन पजेस करेंगे या रिलेटिव रेस्ट कैसे पजेस करेंगे। तो हम उसको एक एग्जांपल के टर्म्स में समझ सकते हैं कि मान लिया कि कोई एक बस है और उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो जब एक पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा, दैट इज एक पैसेंजर की मोशन की बात करी जाएगी दूसरे पैसेंजर के मोशन से, तो बोला जाएगा कि दैट द ऑब्जेक्ट या जो पैसेंजर है वो रेस्ट में है। बट अगर उस पैसेंजर को हम बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के, बस के बाहर, और बस क्या है हमारी मोशन में है, तो बस के बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करें, तब क्या बोला जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं है जबकि क्या है, मोशन में है। तो यही था हमारा रिलेटिव मोशन और रिलेटिव एंड रिलेटिव रेस्ट, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी एक बॉडी से रिलेट करते हुए उनके मोशन और उनके रेस्ट को बताएंगे। तो ये तो बात हो गई मोशन एंड रेस्ट की। आगे हम बात करने वाले हैं कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें, तो न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या, कि ऐसी फिजिक्स जहां पे न्यूटन्स के लॉज जो थे वो एप्लीकेबल थे। तो क्या बोला गया, क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये सारी चीजें क्या कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, ये न्यूटन के तीनों लॉज पे बेस्ड है। तो इसलिए इनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के भी नाम से जाना जाता है। अब इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात की गई तो बोला गया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम उन्हीं बॉडीज को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जिन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी काफी कम होती है उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो बोला गया कि इसी के रिस्पेक्ट में जो बेसिकली जो हमारे पार्ट्स हैं, जो फिजिक्स है, वो डील करता है स्पेस से, टाइम से और मास से। तो जब बोला गया कि ये जब स्पेस, टाइम एंड मास की बात करी जाएगी तो ये तीनों ही क्या होते हैं, ये इनवेरिएंट होते हैं और एंड एब्सोल्यूट होते हैं। तो एब्सोल्यूट होते हैं एंड इनवेरिएंट होते हैं, कौन, स्पेस, टाइम एंड मास। तो हम बात करेंगे क्या यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस की अगर बात करी जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्या बोलता है कि न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो स्पेस है हमारा वो एब्सोल्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब भी हम किसी एक्सटर्नल से रिलेट करेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, ये हमेशा हमें इनवेरिएंट मिलेंगे। अब मोशन बॉडी का हो या किसी का भी मोशन, किसी भी तरीके का ये पजेस कर रहे हो, जो हमारा स्पेस होगा वो इनवेरिएंट होगा। किसी भी अलग अलग तरीके के मोशन से किसी भी तरीके का जो चेंजेस है वो देखने को यहाँ पे स्पेस में नहीं मिलेगा। तो एक कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि लेंथ की ही बात करें तो अगर ये हमारे पास एक पेन है तो इसकी लेंथ जो है, अब इसका मोशन हम कुछ भी कर दें, इसके मोशन में चेंजेस हमें देखने को, सॉरी इसके लेंथ में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे बाई चेंजिंग इट्स मोशन। तो क्या बोला गया कि ये इनवेरिएंट हो गए, ये एब्सोल्यूट हो गए, क्योंकि इनको जब भी हम किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, किसी एक्सटर्नल वैल्यू से रिलेट करते हैं तो भी ये क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। अब नेक्स्ट जो है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को जानना था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में भी क्या बोला गया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो हमारा एब्सोल्यूट होगा, दैट इज ये चेंज नहीं होगा, वो इनवेरिएंट होगा। और क्या बोला गया कि जो हम यूनिफॉर्म फ्लो देख रहे हैं, दैट इज फ्लो ऑफ टाइम की बात करें, तो ये जो फ्लो ऑफ टाइम होता है वो विद रिलेटिव टू एक्सटर्नल चेंज नहीं होता है।
तो क्या बोला गया कि ये भी क्या हो गए, इनवेरिएंट हो गए, ये भी चेंज नहीं करेंगे। अब मान लिया कि किसी एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके का मोशन पजेस कर रहा है, तो भी यहाँ पे टाइम में चेंजेस देखने को हमें किसी तरीके के नहीं मिलेंगे। अब इनको दो रेस्पेक्ट में स्टडी की गई। पहली चीज क्या बोली गई कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो कह सकते हैं कि दो केसेस हो रहे हैं या दो कोई भी हम मोशन देख रहे हैं, दो वैल्यूज को कंसिडर अगर कर रहे हैं, तो क्या बोला गया कि जब भी ये दोनों ही एक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, दो अलग अलग मोशंस की बात कर रहे हैं, और उन दो अलग अलग मोशन के बीच के टाइम की बात करें, दैट इज टाइम इंटरवल, एक एक्शन अगर हुआ दूसरा एक्शन अगर हुआ, इन दोनों ही एक्शन के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल में कभी चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे ऑब्जर्वर चेंज हो जाए या किसी भी अलग अलग तरीके का मोशन दोनों ही पजेस कर रहे हो, बट जो टाइम इंटरवल है वो सबके लिए सेम होगा। इसलिए बोला गया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो इनवेरिएंट है। तो ये तो बात हो गई दो अलग अलग एक्शंस की। अब एक और क्या बात बोली गई कि अगर दो एक्शंस एक साथ ही अगर कर रहे हैं, तो सारे ही तरीके के ऑब्जर्वर्स को वो सेम उसी टाइम पे वो साइमल्टेनियसली ही वो भी मतलब अगर दो एक्शन साइमल्टेनियसली अगर कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर्स को भी वो साइमल्टेनियस ही हमेशा दिखेंगे, किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा उनके मोशन में चेंजेस होने की वजह से। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगर लास्ट हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मास की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास की अगर बात की जाए तो क्या बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ मास में कि जब कभी भी कोई एक बॉडी हमारा मोशन में है और उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मास में चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। दैट इज मास भी हमारा क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा है अलग तरीके के मोशंस की वजह से, या मास भी हमारा क्या हो गया, इनवेरिएंट हो गया। ये तो मास की बात हो गई। अब एक और क्या बोला गया कि मास जो होगा तब भी नहीं चेंज होगा जब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी को स्टडी करें, दैट इज, और वही चीज क्या बोली जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास जो होता है अगर अलग अलग मोशन अगर कर रहे हैं तो मास भी हमारा क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, एब्सोल्यूट होता है, चेंज नहीं करता है। तो क्या बोला गया कि जो स्पेस है, टाइम है और मास है वो क्या है, इनवेरिएंट है और एब्सोल्यूट है। तो इतनी बातें थी आज के लेक्चर में। तो हम लोगों ने ये देखा कि मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होते हैं, और आगे देखा कि स्पेस, टाइम और मास जो होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं अलग तरीके के मोशंस को अगर कराने में, या अगर हम उनको रिलेट करें किसी एक्सटर्नल वैल्यूज से, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।